एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में आग का तांडव देखने को मिला है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज के एक गांव में मौजूद है जहां आटा मिल में आग लग गई है। यह आटा मिल आप देख रहे हैं, फायर फाइटर्स लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं कि आग पर पूरा काबू पाया जा सके। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस के साथ साथ यहाँ पर एयरफोर्स की भी गाड़ियाँ आई हैं जो आग पर काबू पाने के लिए पूरी तरीके से मशक्कत कर रही हैं। हमारे साथ जो ऑफिसर हैं, फायर ऑफिसर हैं यहाँ के, वो मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी भीषण आग और कितना और अभी समय लगेगा? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, फिलहाल इस समय आग पूरी तरह से कंट्रोल में है। आग को बुझाया जा चुका है, सिर्फ कुछ जगह सुलग रहा है, जिसको हम लोग बहुत जल्दी ही इसको कंट्रोल में कर लेंगे। जब आग की सूचना मिली थी, ये जरूर सूचना मिली थी कि काफ़ी भयंकर आग है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने हमारे आसपास के फायर स्टेशन हैं, डिफरेंट फायर स्टेशन से हमने गाड़ियों को मूव किया। तो कुल इस समय जो है आग पे कुल 8 गाड़ियां काम कर रही है। नियरेस्ट जो यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है उनके पास भी गाड़ियां थी, उसका लोकेशन यहाँ की लोकेशन से काफ़ी नज़दीक है, तो हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था कि आप भी तत्काल मौके पे हमारी मदद के लिए आए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वो लोग भी आके हमारी मदद कर रहे हैं और आग को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। ये थे हमारे साथ फायर ऑफिसर, जिन्होंने बताया कि आग पर लगभग पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है, कुछ बस थोड़ा सा ही अब बचा है जिस पर जो सुलग रहा है जो सामान, उस पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास अब चल रहा है। आप देख, जिसके लिए उत्तर प्रदेश फायर सर्विस और एयरफोर्स के जो जवान हैं वो लगे हुए हैं। योगेश मिश्रा, ITV भारत, लखनऊ।